दोस्तों हमारे चैनल बॉलीवुड ब्लिंकर पर आपका स्वागत है। फाइनली विकी कौशल ने कटरीना कैफ को लेकर कह दी बड़ी बात। पहली बार कैट से अपनी लव लाइफ को लेकर विकी ने फीलिंग शेयर की है। जो विकी कौशल कैट के साथ चोरी छिपे घूमते थे, उन्होंने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया है। विकी कौशल ने प्यार को वैसे फीलिंग बताया है। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल अपनी केमिस्ट्री को रियल लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान विकी कौशल ने कटरीना कैफ से अफेयर के सवाल पर मोहर भी लगा दी। विकी कौशल से जब डेटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को छिपाने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत ओपन हो जाता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। एक बार जब आप झूठ बोलेंगे तो उसे छिपाना पड़ेगा। मैं सच कहूँ तो इसमें कोई स्टोरी नहीं है। विकी कौशल यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपनी जिंदगी में प्यार की अहमियत के बारे में भी बताया। एक तरह से कहें कटरीना कैफ को अपनी जिंदगी की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बता गए विकी कौशल। विकी ने कहा कि मुझे लगता है कि प्यार सबसे अच्छा एहसास है। कोई खुद को प्यार का अनुभव करते हुए सबसे अच्छे दौर में पाता है। वो जो कुछ भी करता है जोश और इरादों के साथ करता है। मुझे लगता है कि रियल में बेस्ट फीलिंग है। विकी कौशल ने इतना सब कुछ कहने के बाद स्माइल पास की और एक तरह से इस बात पर मुहर लगा दी कि उनका और कटरीना कैफ का रिलेशनशिप सही ट्रैक पर है। विकी कौशल ने इन सवालों से बचने की कोशिश भी नहीं की और डेटिंग की जिस खबर को हमने सबसे पहले बताया उसे उन्होंने सही बता दिया। आपको बता दें कि विकी कौशल कटरीना कैफ को अपना क्रश भी मानते हैं, जिसके बाद से ही उनके और कैट के अफेयर के चर्चे सामने आए। इन दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। विकी कौशल या कटरीना कैफ से अफेयर से जुड़े सवाल करने की कोशिश की जाती तो ये दोनों ही कन्नी काट जाते। भूत पार्ट 1 फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उस वक्त भी विकी कौशल से कटरीना कैफ को लेकर सवाल किया गया। तब करण जौहर बीच में आ गई और विकी कौशल को कैट से जुड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार एक वेबसाइट के इंटरव्यू में उनसे सीधा सवाल पूछा गया तो विकी ने न तो अफेयर की खबरों को गलत बताया और न ही इसे कंफर्म किया। हालांकि जिस तरह उन्होंने कैट से जुड़े क्वेश्चन को सुना और जवाब देने के बाद स्माइल की, वो ये बताता है कि उरी फिल्म का ये सुपरस्टार पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत अलर्ट हो गया है। कटरीना कैफ और विकी कौशल एक दूसरे की केयर करने लगे हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं। 2019 में दिवाली बैश में इन दोनों को पब्लिकली साथ भी देखा गया था। इसके बाद से ये कपल मीडिया से बचने लगा। कैट और विकी की कई मुलाकातें हुई लेकिन ये दोनों कभी सामने साथ नहीं आई। अब फाइनली विकी कौशल ने कैट से अपने रिलेशनशिप को लेकर जो बयान दिया है वो ये बता रहा है कि डेटिंग की खबर कन्फर्म है। पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी ये दोनों जल्द ही एक साथ देखने वाले हैं। खबरें यही हैं कि विकी और कैट रोमांटिक मूवी में साथ दिखेंगे। इसके लिए मेकर से बातचीत हो गई है, बस डील फाइनल होने बाकी है। बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।